खुले मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मानवता अस्पताल ने यह नया विभाग खोला है ताकि हम लोग किशोर किशोरियों के मन और स्वास्थ्य की बातें कर सकें। इस बात पे तालियां तो बज सकती है। खुले मंच पर हम लोग दिल खोल के बातें करेंगे क्योंकि ना तो यहाँ की दीवार को कान है और ना ही आंखें। जी हाँ, देखिए यहाँ जो भी बातें होंगी ये आपके और हमारे बीच ही रहेंगी क्योंकि हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को आंकते नहीं हैं। दोस्त एक दूसरे की बातों का निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। दोस्त सिर्फ एक दूसरे की बातें सुनते हैं और समझते हैं। तो फिर तुम बताओ, तुम तो चार बहनों के एक भाई हो, तुम्हारे घर पे तो तुम्हें बहुत सारा प्यार मिलता होगा। जी मानते हैं, हमें भी और हमारी बड़ी बहन को भी, क्योंकि वो तेतर बेटी है ना। तेतर बेटी? जी। ये क्या है? तेतर बेटी जिसके बाद लड़का हुआ हो, उसे तो लोग देवी मानते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। गोपी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाकी बहनें तुमसे कम हैं? मेरी बहन तो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, पर ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जो पढ़ने लिखने के बाद आखिर एक दिन तो चूल्हा चौका ही तो फूकना है। मैं तो कहता हूँ कि गोल गोल रोटियां बनाना सीख लो, एक दिन कहीं काम आएगा। एक दिन तो हमने उसकी किताब के पन्ने फाड़ के जहाज बना के उड़ा दिए थे। आप लोगों को लगता है कि गोपी ने सही किया? आपको तो हंसी आ रही है। सही गलत का मायने नहीं है, कल को जाएगी अपने ससुराल, ज्यादा पढ़ी लिखी झाड़ी तो पति देगा दो घुमा के। आपको लगता है पति को हक है ये करने का? गलती करेगी तो मार तो पड़ेगी ही ना। घर में बाबूजी हैं, अगर हम गलती करते हैं तो मार तो पड़ती ही है ना। कल को उसका पति ही उसका कर्ता धरता होगा, अगर उसके पति ने एक हाथ लगा ही दिया तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, आप सब लोग अभी जवान हो रहे हैं, आपकी सोच देश की सोच बनती है। औरतों और लड़कियों की तो इज्जत करनी चाहिए, ना कि उन पे हाथ उठाया जाए। किसी भी तरह का दुर्व्यवहार गलत है। और आप कह रहे हैं कि लड़कियां कम होती है, कैसे कम होती हैं लड़कियां? कम कैसे नहीं, हम शरीर से मजबूत हैं। आप शरीर से मजबूत होते हैं तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। एक औरत में जन्म देने की शक्ति होती है ना, इससे बड़ी शारीरिक शक्ति कौन सी होती है मुझे बताइए। और गोपी, तुम तो कह रहे थे ना कि तुम्हारी बहनें पढ़ाई करने में होशियार हैं, तो अकल से भी कहां कम है लड़कियां। देखिए, हम आपके दोस्तों से मिलना चाहते हैं और जैसे आपसे मिले अभी उनसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आपको और हमें एक नई सोच को जन्म देना है। हाथ उठाना नहीं, हाथ बढ़ाना है। देख क्या रहे हो यार, हाथ बढ़ा दो। तो दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम में से हर एक नौजवान अपने साथ करीब 5 नौजवानों को यहाँ पे लेके आए ताकि हम उनके मन की और दिल की बातें कर पाएं और खुल के बातें कर पाएं। जी हाँ, और हम आपको ट्रेनिंग देंगे। आपको बस इतना करना है कि जो बातें यहाँ की जाएं उन्हें सही ढंग से समझकर लोगों तक पहुंचाना है। तो आज का हमारा पहला विषय है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। शुरू करें। आओ सुरेश, बैठो। तो शुरू करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।